चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं इस वीडियो में 100 क्वेश्चन, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और एक्सपेक्टेड भी है कि आगे भी एग्जाम में पूछेगा। ये आपका 100 क्वेश्चन है जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का 100 क्वेश्चन। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी नन और प्रबंधक कहलाता है, क्या कहलाता है? और हाँ, कहना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आप याद ना हो, वो हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बोलते हैं, साथ में बोलिएगा तो हो सके आपका भी याद हो जाए, हो सके क्या 100% याद हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी नन एवं प्रबंधक कहलाता है, क्या कहलाता है? एपिकल्चर, क्या कहलाता है? एपिकल्चर। ठीक है, आते हैं दूसरा क्वेश्चन। रक्त में थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? रक्त में थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? तो आते हैं इसका, ये आपका विटामिन के, विटामिन के है, तो याद रखना है विटामिन के। तो विटामिन के है इसका, रक्त को थक्का बनने में सहायक करता है। और हाँ, एक बात और एक क्वेश्चन भी आता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फेलेको, इसका नाम फेलेसी फेरोल है, क्या नाम है? फेलेसी फेरोल विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। चलते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम एलुमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? कैल्शियम एलुमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, ये आपका सीमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है? सीमेंट, सीमेंट में ये होता है। ठीक है, C3A, C4A ऐसे होता है, ठीक है, सीमेंट में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, सॉरी लिखिए छोड़िए, कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, साइट्रिक अम्ल खट्टा कहीं ऐसा, ठीक है, एसिड। कार, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार का ऐसा मात्रक क्या है? कार का ऐसा मात्रक जूल होता है, क्या होता है? जूल। छठा नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है फ्रेओन के नाम से जानता है, फ्रेओन, क्या नाम जानते हैं? फ्रेओन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेओन से। सातवां नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुसता देता है, स्वर्ण को घोलता है, सॉरी स्वर्ण को घोलता है, तो है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया एकमात्र है जो स्वर्ण को घोलता है, सॉरी। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परमाणु का सिद्धांत का प्रेरणा माना जाता है, किसे किसे प्रेरणा माना जाता है? तो ये आपका है जॉन डाल्टन, किसने माना था? जॉन डाल्टन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो ये आपका होता है कृंतक, ठीक है, कृंतक होता है, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन, हरा रंग कैसे बनता है? दो रंगों को मिश्रण करने पर हरा रंग बनता है, लेकिन कौन सा रंग को मिश्रित करेंगे तो हरा रंग बनेगा? तो वो है नारंगी और बैगनी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का अभिप्राय क्या है? आरएनए का अभिप्राय क्या है, मतलब आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्वेश्चन है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड आरबीए का फुल फॉर्म है, आरबीआई आरएनए का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोलन गति कहलाता है, क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? जो वायुमंडल है उसमें गैस प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत प्रेजेंट होता है? तो वो है 78%, कितना? 78%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रयोग चिकित्सक रोगों की जांच में
किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों के जांच में करते हैं? तो आपका स्टेटोस्कोप के बारे में होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना स्टेटोस्कोप, उसके बारे में ध्यान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया संबंधित है किससे है? मलेरिया संबंधित ज्वर से, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मलेरिया संबंधित किससे है? ज्वर से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहलाता है इंसुलिन, जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है उसको नियंत्रित करना है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जिसमें इसको मधुमेह कहते हैं, मधुमेह उसको नियंत्रित करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार्स के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसके लिए नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? चूना जल, किसके लिए? चूना जल, सॉरी थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया इसलिए थोड़ा करना पड़ा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं क्लोरोफिल, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। याद रखिएगा क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछता भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पीतल हवा में किस तरह की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाती है, मतलब बेरंग हो जाती है, किस तरह पीतल? तो वो है ऑक्सीजन के, ठीक है। हवा में किस कौन सा गैस ऑक्सीजन के कारण उसका रंग खराब हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बार की इकाई क्या होता है? बार की इकाई किसकी इकाई है, सॉरी बार किसकी इकाई है? तो वो है वायुमंडल दाब का, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बार बराबर 10^5 पास्कल, ठीक है, याद रखिएगा। पास्कल तो पता ही है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहलाता है? तो आपको कहना था उद्वार्धन होता है, ठीक है, उदारीकरण कर लेते, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? चांदी किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो आते हैं सल्फाइड परत, कब होता है? सल्फाइड परत के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, चेचक होने की वजह है क्या है? चेचक होने की वजह वायरस, वायरस एक है चेचक होने का वजह। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध की इकाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वह आंसर है ओम, ओम एक, ठीक, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यस्त मानव अंग है कौन सा? सबसे व्यस्त मतलब बिजी कौन सा है? वो आपका दिल, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में साधारण और उपयोग करने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है, बेकरिंग में साधारण और उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में होता है, वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाई Na2CO3, याद रखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का इकाई क्या होता है? आनुवंशिकता का इकाई क्या होता है? उसका है जीन, जीन होता है आनुवंशिकता की इकाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियम का खोज किसने किया था? किसने किए थे बताइए आनुवंशिकता के नियम का खोज? तो वो अपना ग्रेगरी मेंडल ने किया था, किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पादक और पशु कोशिकाओं के दोनों में पाई जाती है, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? पादक और कोशिकाओं झिल्ली में पाई जाती है। तो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है किससे? पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, ठीक है, हार्डनेस होता है उसको दूर किया जा सकता है किससे? तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर, क्या है?
पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका है अवतल लेंस का। ठीक है, निकट है तो ऐसे देखिए, ऐसे ट्रिक होता है, पता नहीं ट्रिक यूज करेंगे या नहीं। तो देखिए यहाँ पे निकट है, निकट में कितना अच्छा 3 अच्छा, तो इसका 4 वाला 4 हो गया अवतल। दूर दृष्टि दोष, दूर होता है इसमें 2 होता है, तो 2 क्यों उत्तल वाला। ठीक है, याद रखिएगा, एक काफ़ी बार एग्जाम में कंफ्यूज भी करता है और बहुत बार कंफ्यूज होते हैं हम लोग भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है कौन सा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होता है, वो है महाधमनी। क्या कहलाता है, महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, याद रखिएगा कौन सा, गैनीमेड। क्या था, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, तो ये आपका है अनंत। क्या होता है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो वो आपका है आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता आयाम पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन से उत्तेजक विद्यमान रहता है। ठीक है, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, तो वो आपका है कैफीन। क्या होता है, कैफीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, वो कृमि के कारण होता है। ठीक है, कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा। मानव मूत्र होता है, क्या होता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है, वो 7 से कम होता है, तो क्या होता है, अम्लीय होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और आपको बता दे रहे हैं, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसको जीरोफिलिथिया कहते हैं। ठीक है, जीरोफिलिथिया भी बोला जाता है उसको। और हाँ, विटामिन ए का खोज मैकुलम ने किया था, किसने किया था, सॉरी, मैकुलम ने किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए का खोज किसने किया था, तो ये आपका किया था मैकुलम ने, और विटामिन बी का भी खोज मैकुलम ने ही किया था, और विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था, और विटामिन डी का खोज हॉजकिंस ने। ठीक है, विटामिन सी का खोज हॉपकिंस ने किया था, और विटामिन डी का खोज हॉजकिन ने। याद रखिएगा क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है कि कौन किसका खोज किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। कहाँ पे किया जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पलकों जो आँख के ऊपर पलक होता है उसके किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वो है मेबोमियन। याद रखिए, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, मेबोमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, मनुष्य के आहार नल में किस भाग में कोई एंजाइम पाया नहीं जाता है, तो वो है ग्रसिका। ये RRB में पूछा गया क्वेश्चन है, और RRB जे में भी, और RRB ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, पूछा गया है, मनुष्य के आहार नाल में किस भाग में कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता, तो वो है ग्रसिका।
ठीक है, याद रखिएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमावस्या की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? अमावस्या की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो वो है गैस्ट्रिन। क्या निकलता है? गैस्ट्रिन, याद रखिएगा गैस्ट्रिन। और हाँ, ये आप देख रहे हैं एग्जाम बेस चैनल पे, ठीक है, एग्जाम बेस चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर किया कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और जितना बन रहा है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो वो संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकोनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकोनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो वही आपका है कोशिका द्रव का। किसका होता है? कोशिका द्रव का होता है, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, सांप का जहर होता है किसका होता है? सांप का जहर में क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है, सांप का जहर प्रोटीन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है ऑर्थोपोडा। किसमें? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या होता है हम भी नहीं बता सकते, ऑर्थोपोडा एक होता है जाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो वो है ब्रैंकियल धमनी। क्या होता है? ब्रैंकियल धमनी। याद रखिएगा, क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम आने वाला एग्जाम में पूछ सके। 52 नंबर क्वेश्चन है, हार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? हार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है हार्स गैस का, याद रखिएगा। और इसके साथ एक और बता देते हैं, जो होता है अगर कभी बार पूछ जाता है, रुलाने वाला गैस क्या होता है? तो वो होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्या है? हार्स गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। हार्स गैस किसको बोलते हैं? लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस। और क्यूप्रस ऑक्साइड होता है CuO, वो होता है रुलाने वाला ऑक्साइड, ठीक है। एक और है, भेड़ को तितर बितर करने वाला ऑक्साइड क्या होता है? अमोनिया और क्लोरीन, ठीक है, अमोनिया होता है और क्लोरीन होता है, दोनों जब मिलता है तो उसको क्या होता है? NH3Cl, तो वो होता है, वो आंसू गैस कहलाता है। क्या कहता है? आंसू गैस कहलाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्स गैस किसको कहते हैं, रुलाने वाला गैस किसे कहते हैं, दो ही इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस का आविष्कारक है कौन है? कैलकुलस का आविष्कारक कौन है? आइजक न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, आइजक न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद किसका रूपांतरण था? जल का। किसका है? जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? वो है लिम्फोसाइट का। किसको नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट का। 55 नंबर क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होता है कौन सा होता है? ग्लोबिन। कौन सा होता है? ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या होता है? ब्रेलिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन को एक बार लाइक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया कीजिए, ठीक है, हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो भी आगे अच्छा से अच्छा वीडियो लाएँ, ठीक है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एपो एंजाइम। किसको बोलते हैं? एपो एंजाइम, एपो एंजाइम बोलते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये NTPC में पूछा हुआ है, ठीक है। ये NTPC है, जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल का है, ठीक है, टेक्निकल जेई का थर्मल पावर प्लांट है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ठीक है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो ये आपका है
एड्रिन लिन ने, किसको कहते हैं एड्रिन लिन ने, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, कहाँ होता है बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है, वो प्रमस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क होता है प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है, प्रमस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, तो वो है रेनिन, क्या रेनिन, रेनिन है एंजाइम जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, ठीक है, हमारे शरीर में एंजाइम को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो वो है एमाइलेज, क्या होता है एमाइलेज, कभी कभी गाड़ी में बोल रहे थे माइलेज कितना है, माइलेज बोलते हैं उसमें, इसमें माइलेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, क्या कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। हो सकता है एग्जाम अगला वाला एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, NTPC में पूछ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, क्या कहलाती है, जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, वो अमीनो अम्ल, क्या होता है अमीनो अम्ल उसको बोलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, हमारे शरीर में हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबायोटिक बनते हैं, तो वो है टॉन्सिल, ठीक है टॉन्सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणियों की कोशिका भित्ति बनती होती है वो वसा और सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, वसा और सेलुलोज की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, याद रखिएगा लिपिड एंड प्रोटीन का, किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है वो क्या है, सेलुलोज, ठीक है। इसके देखिए पहला क्वेश्चन, जीवाणियों में कोशिका भित्ति बनी होती है वो वसा ग्लूकोज की बनी होती है, लेकिन प्रमुख अवयव क्या है, सेलुलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन, जीन को वहन करने वाला अनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती है, जीन को वहन करने वाले अनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है गुणसूत्र, गुणसूत्र कहलाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो वो होता है प्रोटीन का, किसका होता है, प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन उसमें पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन से नशा होता है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। 72 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो ये आपका है न्यूलैंड ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। आता है 74 नंबर क्वेश्चन, बेसेमर का कंट क्या है, कन्वर्टर का, बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, सॉरी बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, वो कास्ट आयरन के स्टील से, ठीक है कास्ट आयरन से स्टील, तो उसका प्रयोग करना कन्वर्टर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, सभी तेल पूरा तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाते हैं, तो वो है हाइड्रोजन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। 76 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, किससे बना होता है, कार्बन का, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, कार्बन का। 77 नंबर क्वेश्चन है, लाल चिट्ठियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चिट्ठियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो है फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। 78 नंबर क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, शीशे के संचयन करने वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वो है फास्फोरिक अम्ल, क्या है, फास्फोरिक अम्ल, याद रखिएगा फास्फोरिक अम्ल का होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी
तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने करता है कौन सा करता है? परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है क्या? परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु होता है, क्या होता है? विद्युत रूप से परमाणु होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या होता है? क्या होता है? महासागर मतलब सी में उसका सोनार कहते हैं, ठीक है, सोनार उसका यंत्र है। 82 नंबर क्वेश्चन, सेकंड में लोलक की काल अवधि होती है, बताइए। सेकंड सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है कितना? होती है 2 सेकंड, याद रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड के लोलक की काल कितनी होती है? 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय में क्रोड के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं? तो मृदु लोहा को, ठीक है, मृदु लोहा को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल का नियम से संबंधित है, किससे? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन है, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। 87 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है क्या है? तारों का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। 88 नंबर क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? मायोपिया का नाम निकट दृष्टि दोष। अच्छा ये बताइए, अभी ऊपर में तो बता दिए हैं, फिर निकट दृष्टि का निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? इसका अवतल, क्या होगा? अवतल, बताए थे 3 वाला 4 में या 2 वाला 3 में, ठीक है, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 91 नंबर क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक उत्सर्जित होता है? वो है एंड्रेलिन, क्या होता है? एंड्रेलिन। 92 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से, कहाँ से होता है? फूल की कली से। 93 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन होता है? क्वेश्चन है, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा क्या होता है? यूकेलिप्टस, क्या होता है? यूकेलिप्टस। 94 नंबर क्वेश्चन है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? याद रखिएगा, अच्छा, शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का, पीछे भी बता चुके हैं, दोबारा लिखा गया, टाइपिंग हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ज किसके मापन की इकाई है? हर्ज किसके मापन की इकाई है? तो वो आपका फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति का, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे संभावना भी रहता है कि पूछे, छोटा छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ के द्वारा हुआ था, ठीक है, मेंडलीफ द्वारा। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम विवैक्स किस रोग का कारण है? प्लाज्मोडियम विवैक्स किस रोग का कारण है? तो वो मलेरिया का है, क्या इसका है? मलेरिया का। 98 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के खनिज घटक है क्या है? मैग्नीज। क्लोरोफिल के खनिज घटक क्या था? मैग्नीज। 99 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के आविष्कारक थे कौन थे? निकोला टेस्ला, क्या था? टेस्ला, विद्युत मोटर, ठीक है, यस। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जहाज की गति का अभिव्यक्ति होती है कौन? नॉट में, ठीक है, नॉट में। तो चलते हैं, ये आपका है 100 क्वेश्चन। तो कहना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हम लोग कुछ कर सकते थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।